दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय चाणक्य IAS Academy, 29 years of excellence, extraordinary results every year, 5000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. Admissions open for Chandigarh Center. For more details, contact 7303763540. पारंपरिक खेती से हटकर अगर किसान कृषि आधारित उत्पादों को लेकर कोई लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए केंद्र ने हिमाचल के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 925 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया है। किसान इसके लिए कृषि विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन लघु उद्योग लगाने के लिए कर सकते हैं। योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पर किसानों को कृषि विभाग द्वारा बकायदा सब्सिडी दी जाएगी। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर अतुल डोगरा ने बताया कि स्कीम के तहत लघु उद्योग स्थापित करने पर किसान को ब्याज पर 3% की विशेष छूट दी जाएगी। उन्होंने किसानों से लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कृषि विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का आह्वान किया। ये एक जो स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की है, जिसमें 925 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार को इसमें दिया हुआ है। तो ये जो कृषि के जो कृषि पर आधारित तो हमारे छोटे जो MSP छोटे जो लघु उद्योग है, जैसे आप देखेंगे जैसे गेहूं से आटा बनता है, जैसे आटा चक्की का काम है, मैदा बनाना है, बेसन बनाना है, दालों को मतलब जो हमारे पास जो हमारे किसान उगाते हैं फिर उसको दाल में कन्वर्ट करना है। तो ये तरह के काम है जो इसको जो इस फंड से वो अपना लाभ ले सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे किसान लोन लेते हैं बैंकों से, जैसे जो मैंने बात की पल्स वाली है, हॉल फीड वाली है, सीरियल्स की है, जैसे नर्सरी को लगाना चाहे, कोई टिश्यू कल्चर की, कोई मतलब कुछ खोलना चाहे, कोई यूनिट खोलना चाहे, तो इस तरह के जैसे ग्रेडिंग सेंटर, सॉर्टिंग का कुछ काम करना चाहे फ्रूट्स में, इस तरह का जैसे काम है जो कृषि आधारित है, जो एकदम कृषि पर आधारित है, तो उस पर किसान हमारे क्या करते हैं बैंकों से लोन लेते हैं। तो लोन तो उनको मिलता है, लेकिन बैंक क्या करते हैं उनसे उनको इंटरेस्ट चार्ज लगता है। तो उस इंटरेस्ट को कम करने के लिए एक ये स्कीम है AIFD, जिसको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोलते हैं। और ये भी एग्री इंफ्रा के नाम से अगर आप उसको गूगल में टाइप करेंगे, आपको स्कीम का सारा जो पोर्टल है वहाँ पर आ जाएगा। तो वो पोर्टल भी बड़ा फार्मर फ्रेंडली है। तो कोई अगर कोई नया किसान, कोई आज आपके माध्यम से कोई किसान अगर इसमें जुड़ना चाहता है स्कीम में, या जिसने कोई यूनिट ले रखा है, चला रखा है, तो इस स्कीम के जरिए वो अपना जो इंटरेस्ट जो है बचा सकता है। 3% इंटरेस्ट इसमें काफ़ी होता है। जैसे कोई किसान ने लाखों में लोन लिया हुआ तो उसमें उसको मदद मिल जाएगी। और ये सारा पोर्टल है, इसमें स्टेट लेवल पे एक PMU बना हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना हुआ है, वैसे सेंट्रल में एक CPMU बना हुआ है। तो काफ़ी फार्मर फ्रेंडली है। कोई किसी को शंका है, डाउट है, कैसे इसमें अप्लाई करना है, कैसे जाना है, तो बड़ा ये फ्रेंडली एक तरह का पोर्टल है। तो शिमला से भी बात कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं, और इस तरह से उनका समाधान जो है किसानों का कर सकते हैं। तो आज की एक जो VC थी, इसमें एक तो जो सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जो हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें हम ट्रैक्टर, पावर वीडर, रोटावीटर आदि जो हमारे यंत्र हैं, कृषि के उपकरण हैं, वो अभी ऑनलाइन हुए हैं सारे। तो इसमें जो हमारे किसान भाई हैं वो इसको ऑनलाइन उस पोर्टल में जाके अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपलोड करने होते हैं, जैसे अपनी फ़ोटो है, आधार कार्ड है, ज़मीन का पर्चा है, या मालगुजारी की रही रिसिप्ट होती है कि वो बाकी में कृषक हैं और वो ट्रैक्टर जो है खेती की पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। तो उस तरह का इसमें मैकेनिज्म डेवलप किया गया, और पहले भाव के बेसिस में है। और एज़ पर जो अलॉटेड टारगेट्स हैं, कोई कम से कम 90 लाख का जो टारगेट हमारे जिला हमीरपुर में इसमें रखा हुआ स्कीम में, वो हमने अचीव करना है। तो वो जो हमारे किसान हैं इस पोर्टल के माध्यम से इसको अप्लाई कर रहे हैं। और पूरा डिस्ट्रिक्ट में भी पोर्टल देख भी रहा था, तो किसानों ने वो अप्लाई कर चुके हैं जहाँ तक वो ट्रैक्टर की बात है। बाकी जो दूसरे यंत्र हैं उसमें किसान उसमें लगे हुए हैं। और उसी उपलक्ष्य में हम शाम को एक जो FM हमीरपुर है उसमें भी किसान वाणी जो प्रोग्राम आता है उसमें एक लाइव प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। तो शाम को जो हमारे अधिकारी उसमें उस बैठक में उसमें होंगे, और किसानों को कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न इसके रिलेटेड होगा तो वो उनसे पूछ सकते हैं लाइव फोन प्रोग्राम में। दिव्य हिमाचल TV के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें, या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर।